नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष राय, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आया भारत। सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 4 मार्च की ये न्यूज़ है, मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ। द लॉजिकल इंडियन ने भी इसको छापा है, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी छापा है, क्या कहते हैं आप ये आर्टिकल पढ़िएगा, गूगल सर्च करके पढ़ सकते हैं। इसमें योगी जी का क्या कहना है, उसका एनालिसिस करेंगे कि भारत बुला रहा है, रक्त रक्त को आवाज दे रहा है, उठो, हमारे पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है। योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 17-19% के बीच में है, मतलब 30-35% पूरी स्कीम का, पूरे स्टेट का हिस्सा ये 19% वाली पॉपुलेशन ले जाती है और सिर्फ मुस्लिम्स ले जाते हैं। ऐसा अगर थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाए तो जो वर्ग एक राज्य में 19% तक का स्टेक रखता है, वो वर्ग 30-35%, ये कौन सा लॉजिक है? ये मैथमेटिक्स यहाँ फेल हो जाती है। इतना फ़ायदा तो तभी दिया जा सकता है जब आप किसी को अपीस कर रहे हैं, और इतना फ़ायदा लेने के बाद भी इनके मन में असंतोष है। और ये डाटा पुराना नहीं है, सिर्फ ये डाटा इस बार का भी है, रीसेंट डाटा है। ये सब ट्रेंड शुरू किया गया उन सरकारों द्वारा, प्रीवियस गवर्नमेंट्स द्वारा, कि मुस्लिम्स को जानबूझ के अपीस करो, क्योंकि उनकी यूनिटी का वो फ़ायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि अगर इनमें एक बार बात आ गई कि भाई रिलीजियस ग्राउंड पे वोट देना है, इनका कोई उलेमा मुल्ला मौलाना कोई बोल देगा, तो ये लोग अपनी यूनिटी दिखाएंगे, मुस्लिम ब्रदरहुड दिखाएंगे और एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट करेंगे। तो ऐसे गद्दी सिक्योर होती जाती थी, और वही चीज़ चलती आ रही है। भाजपा ने भी सबका साथ सबका विकास के बाद सबका विश्वास ऐड करके विश्वास जीतने के लिए वो चीज़ कंटिन्यू रखी। अब यूपी में भी चुनाव आने वाले हैं, तो योगी जी ने भी पता नहीं 470 करोड़ का बजट मदरसा के लिए अलॉट कर दिया गया है। मतलब मुझे नहीं लगता मदरसा की ज़रूरत क्या है, आखिर वहाँ से कुरान पढ़ के, वहाँ से रिलीजियस टीचिंग लेके करना एक ही काम है, मतलब ज़रूरत क्या है मुझे समझ नहीं आता। आप गुरुकुल के लिए फंड अलोकेट नहीं करते, आपने एक गुरुकुल सरकार ने खोला नहीं है, लेकिन दूसरे मजहब के रिलीजियस टीचिंग को आप बहुत प्रमोट कर रहे हैं, 500 करोड़ अलॉट कर रहे हैं उसके आसपास, इतना भेदभाव क्यों? आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, अगर आपने कभी कॉमर्स पढ़ा है, अगर आपको कभी भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट भी रहा है, क्योंकि अगर आप वो लोग हैं जो इकोनॉमी के अप्स एंड डाउन पे क्रिटिसाइज करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, हमेशा, और अभी भी इस वीडियो में कुछ ना कुछ अजीब सा कमेंट करने के लिए रेडी होंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक राज्य के छोटे से वर्ग पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, 19% का स्टेक रखने वाला व्यक्ति 30-35% का फायदा उठा के ले जा रहा है, तो यानी कि बचा कितना? अगर 30% मान लेते हैं तो 70% फायदा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 80% बचे हुए लोगों में, या 81, तो बचे हुए जो 10-11% हैं लोग, मुझे नहीं लगता कि सरकार, कोई भी सरकार अभी तक इतनी एफिशिएंट रही है कि पॉपुलेशन के आखिरी छोर तक, जनता के उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंच पा रही है। सरकार दावा करती है कई मायनों में पहुंच रही, लेकिन क्या ये रियलिटी है? शायद अभी तक नहीं। बहुत बड़ा ऐसा वर्ग होगा जो पीड़ित होगा, शोषित होगा, गरीब होगा, अनएजुकेटेड होगा, क्या उस तक सरकार पहुंच पा रही? लेकिन हक मार कौन रहा है, एक्स्ट्रा 10-11% लेके जा कौन रहा है, और इतनी नीड आ कहाँ से रही, इतनी भूख आ कहाँ से रही, और उसके बाद भी रोना बंद नहीं हो रहा आपका, इतना सुविधा लेके जाना कहाँ है आपको, मुझे ये बता दो आज कमेंट में। उसके बाद भी रोने हैं कि सरकार मेरी सुन नहीं रही, सरकार है मुसलमानों के खिलाफ है, ये तो हिंदुओं की सरकार है। क्या उसने गीता पर रख के शपथ खाई थी या कॉन्स्टिट्यूशन पर रख के? उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो मुसलमानों के खिलाफ चला गया? खैर, मैं सरकार के अधिकारियों को, अगर मेरी बात अगर पहुंच जाए सरकार के किसी भी एक नुमाइंदे तक जो मेरी बात पहुंचा दे ऊपर तक, ये डाटा अगर योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से निकल रहा है, यानी उनको पता है कि ये उनके टेन्योर में भी हो रहा है, पिछले टेन्योर में भी हो रहा था, अब वो ये बताएं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को और इक्वल कैसे करेंगे, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है 19% आबादी को 30-35% फायदा जो उठाया जा रहा है उनके द्वारा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल कैसे होगा? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बताएंगे इसको करेक्ट कैसे किया जाएगा। खैर, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, कोई अपना ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू है तो जरूर कमेंट में बताइए। और जो मैं अगली वीडियो की बात कर रहा हूँ कि भविष्य में किसी भी चुनाव में, जैसे सदगुरु ने एक ट्रेंड शुरू किया कि तमिलनाडु में चुनाव आने वाला है, उससे पहले सरकार को हम ये बताएंगे कि सरकार हमारी सुने,
सरकार को हम बताएंगे कि अगर वो मैनिफेस्टो में हमारी मर्जी की चीज रखेगी तो उसी की सरकार बनेगी। हम उस व्यक्ति को ये बताएंगे, हम तय करेंगे कि तमिलनाडु के मंदिर स्टेट गवर्नमेंट से फ्री हो जाएं, स्टेट गवर्नमेंट अपना कंट्रोल हटा ले और पुजारियों को दे, मंदिर की अथॉरिटी को दे, जनता के हाथ में दे, तभी वो सरकार बनेगी और हमारे कहे हुए शब्द मैनिफेस्टो में झलकेंगे। ठीक उसी तरीके से हमारी क्या डिमांड्स होनी चाहिए आने वाले चुनाव में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।